जय हिंद दोस्तों। आज 15 जून सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्री जी का एक और बड़ा फैसला, एट सर्विसमैन के घर घर पहुंचाई जाएगी एक सुविधा, इस पर बात करेंगे। और अग्निवीर रिलेशन भर्ती शेड्यूल जारी हुआ है, सैनिकों के बच्चों के लिए है। लिक्वर ग्रोसरी पर सीएसडी कैंटीनों को सख्त चेतावनी दी गई है, इस पर बड़ी अपडेट है। और 8वें वेतन आयोग पेंशन रिवाइज जनवरी से, पे मैट्रिक्स में भी इजाफा किया जाएगा, इस पर बड़ी अपडेट है। आर्मी करेगी 30 बदलाव, रक्षा मंत्री के इस फैसले से चीन भी हुआ परेशान। अप्रूव स्कॉलरशिप फॉर ईएसएम डिपेंडेंट, इस पर बड़ी अपडेट है। और रोजगार मेला, 35 कंपनियों में पूर्व सैनिकों की भर्ती के लिए रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, इस पर बड़ी अपडेट है। तो सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं, रक्षा मंत्री जी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, दवाओं की घर घर डिलीवरी, रोजगार मेले लगाए जाएंगे। सेना के पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी पहल की गई है। बता दें 13 जून को लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद राजनाथ सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वरिष्ठ सैन्य कर्मियों से जुड़ी बड़ी पहल की गई है, इस पर चर्चा की गई है। और ये 13 जून की खबर है। बता दें अमेजन घर घर जाकर दवाइयां पहुंचाता है, तो भूतपूर्व सैनिकों को भी उनकी दवाइयां उनके घर के दरवाजे पर क्यों नहीं मिल सकती हैं, उन्हें जरूर मिल सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज हुई उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री ने यह फैसला लिया है, यानी कि घर घर आपको दवाइयों की डिलीवरी होगी, आपको जाने की जरूरत नहीं है। यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत से पूर्व सैनिक बुजुर्ग हैं और वे डिस्पेंसरी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से मोबाइल नहीं है, यानी चल नहीं सकते हैं, इस कदम से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान 100 दिन के भीतर सार्थक बदलाव में सरकार के वादे मद्देनजर अन्य निर्माणों के जो निर्णयों में सैनिक और केंद्रीय सैनिक बोर्ड की में महिलाओं को शामिल करना भी शामिल है। कई महिला सेवानिवृत्त सैनिक हैं और यह सुनिश्चित करने पर निर्णय लिया जाएगा कि सेवानिवृत्त सैनिकों के मामले में उनकी भूमिका क्या है, यानी कि जो केएसबी है, जिला सैनिक बोर्ड है, जो लेडीज महिलाएं हैं सेना से रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, उनको अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में भर्ती किया जाएगा, उनके लिए भी बड़ा ऑफर है। कौशल विकास प्रधानमंत्री पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार मेले का भी आह्वान किया जाएगा, सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। तो दो बड़ी अपडेट उन्होंने दी है, कहा है कि घर घर दवाइयां पहुंचाई जाएंगी और रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट है, रिलेशन भर्ती को लेकर इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ईएमई सिकंदराबाद में 22 जून को, मराठा लाइट में 28 से 4 जुलाई को, गार्ड्स रेजिमेंट में 1 जुलाई को, और 1STC जबलपुर में 1 जुलाई को है। MIRC अहमदनगर में 4 जुलाई को, इसके बाद पुणे में 9 जुलाई को, ये सारी शेड्यूल जारी किए गए हैं। 2STC गोवा की 22 जुलाई को है। AD सेंटर गोपालपुर की 13 सितंबर उड़ीसा में है। ये रिलेशन भर्ती एक्स सर्विसमैन और सर्विस जवान के डिपेंडेंट के लिए है, इसका फायदा उठाएं। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट है, सीएचडी से लेकर एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये सख्त एडवाइजरी है। 5 जून 2024 को आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, MG ब्रांच की तरफ से जारी की गई है। इसमें ये जो दी गई है ये सारे सीएचडी कैंटीनों को दी गई है, उसके जो स्टेशन हेडक्वार्टर को दी गई है। इसमें कहा गया है, रिसेंट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑन सीएचडी फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसी एंड सीएचडी बेनिफिशरीज, सीएचडी बेनिफिशरी के लिए है और यूआरसी के लिए भी ये एडवाइजरी है। कॉपी दी है जो डेट 30 अप्रैल 2024 का है, फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी IESL इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जनरल सेक्रेटरी की तरफ से एक लेटर दिया गया था, जिसमें कई पॉइंट सीएचडी के थ्रू उठाए गए थे। सीएचडी के थ्रू ऐसा आपने देखा होगा कि आप रिटायर हो गए हैं, तो अगर किसी दूसरी कैंटीन से, स्टेशन हेडक्वार्टर के अलावा दूसरी कैंटीनों से सामान लेने जाते हैं, लिक्विड ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो आपको वहां से मना कर दिया जाता है। तो उसके बाद जनरल सेक्रेटरी IESL ने लेटर लिखा था
रणवीर सिंह, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर सिंह ने, उनका लेटर के बाद ये एक्शन लिया गया है। और इसमें कहा गया है एज पर द सीएस डेट पॉलिसी, जो पॉलिसी 1 जून 2023 की है, उसके अनुसार ऑल सीएसडी बेनिफिशियरी आर परमिटेड टू परचेस ग्रोसरी एंड लिक्वर एज पर देयर एंटाइटलमेंट। सभी सीएसडी बेनिफिशियरी परमिटेड, उनको परमिटेड किया जाता है कि परचेस कर सकते हैं ग्रोसरी और लिक्वर जितनी उनकी बनती है फॉर एनी यूआरसी। किसी भी यूआरसी से नो यूआरसी विल डिनाई सेल ग्रोसरी एंड लिक्वर टू एन एंटाइटलमेंट सीएसडी बेनिफिशियरी होल्डिंग ए वैलिड सीएसडी स्मार्ट कार्ड। अगर आपके पास वैलिड सीएसडी स्मार्ट कार्ड है तो कोई भी यूआरसी कैंटीन आपको मना नहीं कर सकती है लिक्वर और ग्रोसरी देने से। तो आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो अभी ये सबको कैंटीनों को रिक्वेस्ट की गई है कि आप किसी को डिनाई नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे, आपको देना ही होगा। 20 जून 2024 को इससे परमिटेड कर दिया गया है। तो जो भी कैंटीन में जाते हैं आप, किसी भी कैंटीन में ये लेटर दिखाकर अगर आपको कोई मना करता है तो वैसे तो ये सारे लेटर पहुंच गए हैं, इस लेटर की भी कॉपी आप रखें, इसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट से, केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी है, रिवाइज होने वाली है सैलरी और पे मैट्रिक्स में भी सुधार होगा। बता दें 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। 8वीं वेतन आयोग के तहत आपका इंतजार खत्म होगा और ये जनवरी 2025 से इसका गठन किया जा सकता है। बता दें देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग की सिफारिश करती है और संभवतः ये 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू होना था, जिसकी सिफारिश 2015 में कर दी गई थी, यानी कि 7वां वेतन आयोग 2015 जनवरी से सिफारिश कर दी गई थी। इसमें बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना सेट किया जा सकता है, लेकिन ये भी मीडिया की रिपोर्टें हैं। 3.68 तो 7CPC में भी सेट नहीं किया गया था, तो आपका वही 2.57 भी सेट किया जाता है, तो आपकी सैलरी बढ़ जाएगी और 46,260 रुपए मिनिमम सैलरी हो जाएगी 8 पे कमीशन के अनुसार। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर है, सेना बदलेगी तिब्बत की 30 जगहों के नाम, ड्रैगन को अब उसी की भाषा में मिलेगा जवाब। बता दे दूसरी बार रक्षा मंत्री बनने के बाद राजनाथ सिंह ने पुराने अंदाज दिखाने शुरू कर दिए हैं, पुराने तेवर दिखाने के शुरू कर दिए हैं और एक एक बार एक बड़े फैसले लेना शुरू कर दिया है। इस फैसले में उन्होंने 30 तिब्बत के इलाके के 30 नामों को बदलने जा रही है, और ये इसलिए बदलने जा रही है क्योंकि तिब्बत के जो नाम है वो ऐसे नाम है जो कि चीनी भाषा में है। अब सेना 30 नामों को बदलकर और वहां के लोकल भाषा जो तिब्बत की है उसके नाम रखेंगे, या यहाँ के भारत के ऐसे नाम रखे जाएंगे जो कि चाइना ये ना कह सके कि कोई सेतु बना है तो राम सेतु के नाम से होगा, तो चाइना ये ना कह सके कि ये राम सेतु चाइना का हिस्सा है। तो इसलिए जल्द ही इनके नाम बदले जाएंगे और बहुत जल्द इसका नक्शा भी नाम बदलकर जारी किया जा सकता है। ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है, सेना की रिपोर्ट के मुताबिक चीन अरुणाचल को काफी दिनों से अपना हिस्सा बता रहा है, उसके उकसावे वाले नक्शे भी जारी होते रहे हैं। इस धोखेबाजी से का जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी 30 जगहों के नाम बदलने जा रही है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी अपडेट है, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अप्रूव कर दिया है स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट के लिए। बता दें एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट का जो स्कॉलरशिप मिलती है उसको अमेंडमेंट किया है, उसको अप्रूव किया है, और बता दें इसको स्कॉलरशिप का फायदा इसमें जो मिलेगा 9,96,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए गए हैं, जिसमें कि 83 इंजीनियरिंग स्टूडेंट और 90,000 रुपए 6 मेडिकल स्टूडेंट और 20,000 रुपए 2 PhD स्टूडेंट को स्कॉलरशिप के तौर पर यह मिलेगा, इसका फायदा अब मिलना शुरू हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट है, जॉब से लेटेस्ट है अपडेट है कि डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट DGR ने जॉब फेयर आयोजित किया है, और ये जॉब फेयर जो आयोजित किया जा रहा है ये 21 जून 2024 को आयोजित किया जा रहा है एयरफोर्स स्टेडियम ऑडिटोरियम हिंडन गाजियाबाद UP में 7 बजे सुबह 21 जून 2024 को फेयर लगाया जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये फेयर होगा और ये एक्स सर्विसमैन आई कार्ड, इसके बाद 5 कॉपी CV बायोडाटा की इसमें ले जाना जरूरी है। इसके लिए
टीसीआर ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 21 जून 2024 को ये जॉब फेयर लगाया जाएगा। तो जो भी जाना चाहते हैं उनके लिए जबरदस्त अपडेट है, ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।